नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर जब प्रोस टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम आपके लिए दो शेयर लेके आए हैं, दोनों ही बहुत बेहतरीन शेयर हैं। एक कंपनी है जो चार क्षेत्रों एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमेशन एंड जनरल इंजीनियरिंग की कंपनी का शेयर है, जिसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार हैं। 3 महीने में 64% का रिटर्न दिया है। दूसरी कंपनी है उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, जिसके शेयर के दाम 80 रुपए से भी कम है, जिसने 5 वर्ष में 10,865% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, आप स्वयं से जांच कीजिए, अपने मित्रों दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए और फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह लीजिए और इनके बिजनेस मॉडल को और फंडामेंटल्स को समझिए, उसके बाद आप इनमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और हो सकता है थोड़े समय में कंसोलिडेशन में चला जाता है कोई भी शेयर, सामान्य बात है कि 10-20% करेक्शन भी आती है जब इतनी हाईएस्ट पीक पे हो मार्केट तो, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं होती। इन लॉन्ग टर्म ये सभी बहुत अच्छे शेयर हैं और बहुत अच्छी रिटर्न इन्होंने दी है और आगे भी देंगे। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। पहला शेयर हमने लिया है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड। हम बात करेंगे ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड के शेयर पर। हम पहले बिजनेस मॉडल देखेंगे, फिर फंडामेंटल्स को समझेंगे, फिर उसके बाद प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन भारत में एक साथ 5 अक्ष सीएनसी मशीनों की अग्रणी निर्माता है, जिसकी देश में 10% हिस्सेदारी है, बाजार हिस्सेदारी है। एयरस्पेस, रक्षा, ऑटो कंपोनेंट्स, जनरल इंजीनियरिंग और अन्य उद्योगों में कंपनियों के लिए उपकरण डिजाइन करने और निर्माण करने में इसकी वर्षों की विशेषज्ञता है। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो चार स्पेस में काम करती है। कंपनी ने भारत को छोड़कर एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका में 3500 ग्राहकों को 8400 सीएनसी मशीनें वितरित की हैं। यह रोमानिया, फ्रांस, पोलैंड, बेल्जियम, इटली, यूके और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी आपूर्ति करती है। ग्राहक आधार है जो इसका बहुत ही जबरदस्त है, इसरो, ब्रह्मोस, एरोस्पेस, तिरुवनंतपुरम, टर्किश एरोस्पेस, यूनिप्लास, एवीटीसी लिमिटेड, टाटा एडवांसेस सिस्टम, भारत फोर्ज, शक्ति पंप्स, सीआरआई पंप्स, कल्याणी टेक्नो फोर्ज आदि। बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है, इसकी ग्राहक है। कंपनी की 3 विनिर्माण इकाइयां 2 राजकोट में, 1 फ्रांस में है। भारत में सालाना 4400 मशीनें और 121 मशीनें फ्रांस में बनती हैं सालाना। मार्केट कैप है जो 30,557 करोड़ है। कीमत 1344 रुपये है। बाउनबिक हाई एंड लो 1450 रुपये और 368 रुपये है। स्टॉक पी 203 है और सेक्टर पी है जो वो 111 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.20% है, ठीक है, अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.90% है, ये भी ठीक है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी ने कर्ज कम किया है, बहुत थोड़ा कर्जा है कंपनी के ऊपर। कंपनी ने 5 वर्षों में 129% की सीएजीआर से अच्छी लाभ वृद्धि दी है, 129% की सीएजीआर से 5 वर्ष लगातार। हम इसकी तिमाही परिणाम देखें तो क्वार्टर 4 एफवाई 24 में नेट प्रॉफिट 48 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ हो गया। क्वार्टर की बात कर रहे हैं हम एक। और ईपीएस 2.44 रुपये से बढ़कर 4.38 रुपये हो गई। फेस वैल्यू है जो एफवाई 23 और एफवाई 24 में, अब हम देखते हैं इसके एनुअल रिजल्ट्स। सेल है जो 929 करोड़ से बढ़कर 1338 करोड़ होगी। ओपीएम 10% से बढ़कर 22% हो गया, दुगने से भी ज्यादा। मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट 15 करोड़ से 151 करोड़ हो गया। तो आप देख ही सकते हैं कि कितने शानदार रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप रिजल्ट्स की ही बात करें तो बहुत बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं और आगे क्वार्टर 1 में भी अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए, ऐसी
संभावना है। रिजर्व 1319 करोड़ के हैं, बोरोइंग 304 करोड़ की है और 48 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी है। कैश फ्लो प्लस 286 करोड़ है। प्रमोटर्स होल्डिंग 62.55% है, FII 5.75% है, DII 5.89% है, 5.89%। पब्लिक के पास 25.81% है। बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है, कहीं पे भी कोई थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आ रही, शार्प ग्रोइंग प्रॉफिटेबिलिटी है। दाम 1345 रुपये है, 200 रुपये की पी पर मिल रहे हैं, सेक्टर पी 111 है। अगर आप किसी भी डाटा रिसर्चर चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछेंगे तो यह शेयर महंगा ही लगेगा, इसमें कोई शक भी नहीं है, डाटा इसको महंगा ही बोल रहे हैं, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस कहता है कि यह शेयर सस्ते दामों पर मिल रहा है। जिस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। प्री बजट 1450 रुपए तक जा सकता है, धैर्य रखने वाला शेयर है, 1580 से 1600 रुपए का लक्ष्य जल्दी ही पूरा हो सकता है। इसका डाटा जो उपलब्ध है वह 3 महीने में इसने 64% का रिटर्न दिया है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 वर्ष में 2400 रुपए तक जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, आपकी अप्रिसिएशन हमारी टीम को अच्छी लगती है। अब हम बात करेंगे MIC इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर की। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स 1988 से LED वीडियो डिस्प्ले, उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक और दूर संचार उपकरणों के डिजाइन, विकास और विनिर्माण तथा दूर संचार सॉफ्टवेयर के विकास और विकास में वैश्विक अग्रणी कंपनी है। LED लाइटिंग, इंडोर लाइटिंग, आउटडोर लाइटिंग, सोलर लाइटिंग और पोर्टेबल लाइटिंग। नंबर 2, LED डिस्प्ले, इंडोर डिस्प्ले, आउटडोर डिस्प्ले, मोबाइल डिस्प्ले एप्लीकेशन विशिष्ट डिस्प्ले। ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर, कंपनी ने 10 LPM मॉडल के साथ ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर की डिजाइनिंग, निर्माण और आपूर्ति शुरू की है और बैटरी निर्माण में भी कदम रखा है। यह उत्पाद पोर्टफोलियो, कंपनी का हेड ऑफिस हैदराबाद में है, इसकी देशव्यापी उपस्थिति है, कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय निर्यात भी है, इसके ग्राहकों की लंबी लिस्ट है, L&T, इंडियन रेलवे, RBI, MTNL, SBI, LIC आदि इसकी ग्राहक हैं। मार्केट कैप 1735 करोड़ का है, कीमत 78 रुपीज है, 52 वीक हाई एंड लो 78 रुपीज और 22 रुपीज है, P 31 है, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड 17.5% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 89.30% है, फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 32.20% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ की है। Q4 March 2023 और Q4 March 2024 के रिजल्ट देखते हैं हम, 3 करोड़ से 23 करोड़ हो गया रेवेन्यू, 70% से 24% रह गया OPM और नेट प्रॉफिट है जो वो 2 करोड़ से 50 करोड़ हो गया। ये इसमें कुछ टैक्स की एडजस्टमेंट हुई है, टैक्स रिटर्न हुआ है कुछ, अगर हम टैक्स को छोड़ दें तो 2 करोड़, कर पूर्व लाभ की बात करें तो 2 करोड़ से 5 करोड़ हो गया, जो बहुत अच्छा है। FY24 में शुद्ध लाभ 62 करोड़ है, जिसमें अन्य आय 9 करोड़ और टैक्स रिटर्न भी है। FY23 जीरो बिफोर टैक्स 18 करोड़ है, रिजर्व 78 करोड़, बोरिंग 12 करोड़, प्रमोटर्स के पास 74.59% की इक्विटी है, पब्लिक के पास 25.41% की है, बोरिंग बहुत कम है और प्रमोटर्स के पास मैक्सिमम हिस्सेदारी है। दाम 78 रुपीज है, EPS 2.80 रुपये, PE 28 है, सेक्टर PE 116 है, बहुत सस्ते दामों पे मिल रहा है शेयर। इस EPS की कुछ एडजस्टमेंट भी है, इधर कुछ वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, दुगना तिगना वॉल्यूम
पे आजकल ट्रेड हो रहा है यह शेयर। एक महीने में 64%, 5 वर्ष में 10,865% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। मल्टीबैगर रिटर्न के लिए 1 वर्ष इंतजार करें। यह एक मल्टीबैगर शेयर है, 2 साल में अच्छे लेवल दिखा सकता है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 3 साल में 175 रुपए तक जा सकता है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो समय निकाल कर देखते हैं और आपको अगर पसंद आता है तो आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। इस समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।